तो यहाँ पर हम इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में, पार्टिकुलरली रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार से, बांग्लादेश से भागकर इंडिया आए हैं और इंडिया में रिफ्यूजी कैंप में ये लोग शरण पा करके रह रहे हैं। सबसे पहले हम इनके इतिहास के बारे में यदि चर्चा करें तो देखिए, रोहिंग्या लोग कहाँ के माने जाते हैं? म्यांमार के माने जाते हैं, लेकिन म्यांमार की सरकार इनको अपने नागरिक के तौर पर नहीं मानती है, इसलिए उनको सिटीजनशिप से बाहर रखा गया है। इसका मतलब ये हो गया है इनका कोई देश ही नहीं है, बिना देश के ये लोग रह रहे हैं। रोहिंग्या लोग म्यांमार के रखाइन प्रोविंस, रखाइन स्टेट जिसको हम अराकान भी कहते हैं, यहाँ के मूल निवासी, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों का एक समूह है। ठीक है, मेनली ये लोग मुस्लिम हैं और इंडो आर्यन जाति ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हिस्टोरिकल यदि हम बातचीत करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेशीकरण से भी पहले इस इलाके में रह रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें 1400 ईस्वी के आसपास कई सारे जो रोहिंग्या लोग हैं म्यांमार के अराकान प्रांत में आकर बस गए थे। इनमें से कई लोग 1430 ईस्वी में अराकान पर शासन करने वाले बौद्ध राजा नारा मीखला के दरबार में नौकरी करते थे। इस राजा ने मुस्लिम सलाहकारों और दरबारियों को अपनी राजधानी में शरण दी थी। ये इनकी हिस्ट्री हो गई है। अब हम देखते हैं कि भाई क्या होता है। एक छोटी सी घटना यहाँ पर बताई जा रही है कि म्यांमार में दंगे शुरू होते हैं। दंगे शुरू होने के बाद यहाँ का जो शासन है, यहाँ की जो मिलिट्री है, इनको ऑर्डर दे देती है कि भाई इन जो भी दिखे एकदम ख़त्म करना है इनको। अब बेचारे जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। तो जो दंगा चालू हुआ था, बोला जा रहा है एक बौद्ध महिला की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी और इसका इल्ज़ाम लगाया गया था 3 रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर। इसके बाद से तो अल्पसंख्यक रोहिंग्याओं और बहुसंख्यक बौद्धों के बीच में, रोहिंग्या और बौद्ध लोगों के बीच में बहुत बार हिंसक टकराव हुआ है। इसमें ज़्यादातर मरने वाले लोग रोहिंग्या ही थे। फिर हम देखते हैं कि ये लोग भाग भाग कर कहाँ जा रहे हैं, ये दूसरे देशों की शरण ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें कि 1980 के दशक के बाद और 1990 के शुरुआत में भारत ने म्यांमार से आने वाले हजारों शरणार्थियों का स्वागत भी किया था, लेकिन अभी देखा जाए ना तो जिस तरीके से इनको हम हैंडल कर रहे हैं, उस तरीके से इनको इनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए हम इस आर्टिकल की चर्चा कर रहे हैं। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। इसको आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल अटेंशन हमको देने की ज़रूरत है, तब जा कर के ये लोग जो मेंटल हेल्थ एपिडेमिक फेस कर रहे हैं, ठीक है, मानसिक रूप से इनके ऊपर जो हमला हुआ है ना, उसको ये लोग जो फेस कर रहे हैं उसको इंटरनेशनल अटेंशन के माध्यम से ही कर सकते हैं। कोई एक अकेला देश रोहिंग्या की समस्या को हल नहीं कर सकता है। शुरुआत करी जाती है कि कितने सारे शरणार्थी ऐसे हैं जो भारत में निवास कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, शॉर्टकट में UNHCR की बात करें, इस डेटा के हिसाब से देखा जाए दिसंबर 2023 तक 22,000 से भी ज़्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजी भारत में निवास कर रहे हैं। और किस कंडीशन में रह रहे हैं आप पिक्चर देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग म्यांमार से भाग कर के आए हैं 2012 और 2017 के बीच में, जब म्यांमार की मिलिट्री ने क्लियरेंस ऑपरेशन चालू कर दिया था। क्लियरेंस मतलब एकदम क्लियर ही कर देना है, किलिंग रोहिंग्या पीपल, रेपिंग वुमेन एंड डिस्ट्रॉइंग देयर विलेज इन रखाइन स्टेट, पूरी तरह से इनको समाप्त करने का ऑर्डर दिया गया था मिलिट्री की तरफ से। एक महिला की यहाँ पर स्टोरी बताई जाती है कि वो क्या क्या चीज़ों को फेस कर रही है। ठीक है, 24 साल की ये लेडीज़ हैं, इनका नाम है मोमिना। उनका कहना है कि मैं 16 साल की उम्र में म्यांमार से भागी थी, रास्ते में जो कुछ हुआ मेरे को सब कुछ याद है, हत्या, ऐसे लोग जिनके सिर काट दिए गए हैं वो सब मेरे को याद है। अगली जो यहाँ पर दिक्कत फेस करी जा रही है कि भाई इनकी जो झोपड़ियाँ हैं वो जला दी जा रही हैं। ठीक है, दिल्ली के एरिया में ये लोग रहते हैं,
ये एंड उन्हीं की तरह अदर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इन्होंने विटनेस किया है फायर्स बर्निंग डाउन देयर हट्स, झोपड़ी बना के रह रहे हैं, झोपड़ी में लोग आग लगा दे रहे हैं। ठीक, ये आग कभी कभी दुर्घटनावश लगती है, लेकिन कई बार राष्ट्रवादी चरमपंथी समूहों के सदस्य ऐसी आग को लगा देते हैं, ठीक है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसके लिए जिम्मेदारी भी ली है। उनका कहना है कि ये जो आग लगाई जा रही है रिफ्यूजी सेटलमेंट में दिल्ली में, ट्रिगर एंड रीट्रॉमेटाइज मोमिना, बोला जा रहा है कि भाई इससे तो मानसिक आघात बहुत ज़्यादा मुझे पहुंचा है। जब आग लगती है, जब तेज आवाज़ें आती हैं, तो मैं इतना डर जाती हूँ कि बेहोश हो जाती हूँ, ऐसा कहना है मोमिना का। अगला इशू ये लोग जो फेस कर रहे हैं वो है हेल्थ का इशू है, जैसे कि बहुत सारे लोग उसकी तरह गंभीर अवसाद सीवियर डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, साथ ही साथ में आइडेंटिटी डिस एसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं, साथ ही साथ इनकी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। आगे मोमिना के बारे में बोला जा रहा है कि भाई मानसिक बीमारी से मोमिना अकेली ग्रसित नहीं है, इनके ग्रुप वाले जो लोग सॉरी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो राइटर है ना, वो एक संगठन चलाती हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, द आज़ादी प्रोजेक्ट। तो ये जो आज़ादी प्रोजेक्ट है ऐसी महिलाओं को कहना चाहिए सपोर्ट करता है, साथ ही साथ इसको सपोर्ट किया जा रहा है मारीवाला हेल्थ इनिशिएटिव के माध्यम से। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, ठीक है, जिनको फेंटिंग इंसिडेंट देखने को मिले हैं आफ्टर बाउट्स ऑफ एनेक्सिटी डिसोसिएटिव एपिसोड्स एंड सेल्फ हार्म। कई महिलाएं ऐसी हैं खुद ही को अब आत्महत्या कर ले रही हैं, तेल लगा के जल जा रही, क्योंकि टेंशन है, ठीक है, टेंशन है, मतलब खुश नहीं है अपनी लाइफ से। इसका एक ही उपाय है कि आप आत्मक्षति कर लो। इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। हालांकि ये जो संगठन है केवल महिलाओं के लिए काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो कि महिलाओं की तरह मेंटल हेल्थ इलनेस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, अगली चीज जो दिक्कत वाली बात है कि इनको लोग इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर देखते हैं, अवैध आप्रवासी के तौर पर इनको चिन्हांकित किया जाता है कि भाई जो म्यांमार में जीनोसाइड हुआ था इसी के चलते चलते ये लोग यहाँ पर आए हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशनी कंडीशन वो लोग फेस कर रहे हैं इंडिया में, उनको इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जैसे कि है एजुकेशन है, बेसिक हेल्थ है, लीगल सर्विस है, मतलब कानूनी सेवाएं हैं, साथ ही साथ रोजी रोटी के जो अवसर हैं इसकी कमी ये लोग में महसूस करते हैं। अगले नंबर की बात फिर वही आ जाती है कि जो एंटी मुस्लिम एंटी रिफ्यूजी जीनोफोबिया हमारे देश में बढ़ते जा रहा है, और वो चीज़ इन लोगों के सामने दिखाई भी दे रही है। अगली जो चीज़ ये लोग फेस कर रहे हैं वो है आर्बिट्री डिटेंशन ऑफ रोहिंग्या। इसका मतलब ये है कि रोहिंग्या लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में रखा जा रहा है। बहुत सारे रोहिंग्या लोग ऐसे हैं जिनके पास में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कार्ड मिला हुआ है कि भाई ये रिफ्यूजी लोग हैं, रोहिंग्या है, UNHCR कार्ड जो कि रिकॉग्नाइज करता है कि हम रिफ्यूजी हैं। इसके बावजूद भी इनके मन में डर है। डर क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए 500 से अधिक रोहिंग्या लोग ऐसे हैं जिनको डिटेनी के तौर पर रखा गया है, जेल में इनको बंद करके रखा गया है, एंड जेल में आप रख दे रहे हैं इलीगली, नो क्रिमिनल चार्जेस, इनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, कोई आपराधिक मामला नहीं है, फिर भी इन लोगों को डिटेंशन करके रखा जा रहा है, इसलिए भी ये लोग डरे सहमे रहते हैं। भारत में किसी भी रोहिंग्या बस्ती में घूमने से पता चल जाएगा कि हर दूसरे परिवार में या तो ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में हिरासत में हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी समय जेल में बिताया है।
जैसे कि जो मोमिना की भाभी है ना अमीरा, उनको भी जेल में डाल दिया गया था और लगभग 3 साल तक वो जेल में रही थी। ठीक है, इसके बाद उसको कब रिहा किया गया, जब उसको लकवा मार दिया गया और अदर जो बीमारी हो गई ना तब जाकर के उसको छोड़ा गया था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ट्रॉमा एंड हील, आघात और उपचार के बारे में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अमीरा और अन्य जो रोहिंग्या शरणार्थी लोग हैं, ठीक है, इनकी प्रॉब्लम को समझने और उसको ठीक होने का कोई उपचार ही यहाँ पर समझ में नहीं आता है। एक ऐसा व्यक्ति जो मुश्किल से बाहर निकल रहा है, ठीक है, अपने आप को कामों तक ही सीमित रख रहा है, हिरासत में बिताए गए वर्षों के बाद अमीरा और भी अलग थलग हो गई हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे संगठन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, वो लोग क्या चीज़ को फेस कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ही आगे आते हैं और लोगों की आवाज़ को ऊपर लेकर के जाते हैं। रोहिंग्या रिफ्यूजियों के लिए काम करने वाले बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, जिनको FCRA के माध्यम से फंडिंग प्राप्त होती थी, लेकिन FCRA ने क्या काम कर दिया है, उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया है कि अब वे लोग फॉरेन से फंड नहीं ले सकते हैं। यदि हम पिछले कुछ सालों में बात करें तो बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं जो कि सपोर्ट करते हैं रोहिंग्या रिफ्यूजी को, या तो उनको बंद कर दिया गया है या तो फिर उनको कम कर दिया गया है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं। केवल और केवल UNHCR सपोर्टेड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं अभी काम कर पा रहे हैं, लेकिन बट दे डू कॉशियसली एंड नॉट एट फुल कैपेसिटी। बहुत सावधानी से उनको काम करना पड़ता है, अपनी पूरी कैपेसिटी से ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। वे फॉरवर्ड में यदि हम बात करें, ठीक है, कि आगे क्या चीज़ हो सकता है, आगे की राय क्या हो सकती है, पहले नंबर की बात ही वही है कि भाई इंटरनेशनल अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी कंसिडरेबल अटेंशन दिया जा रहा है, 1 मिलियन जो रोहिंग्या रिफ्यूजी रह रहे थे बांग्लादेश में उनके ऊपर तो ध्यान दिया गया है। भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों के बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के ऊपर इंटरनेशनल कमेटी को ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमें करंट में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी प्रॉन्ज अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। पहले नंबर की बात ये है, सबसे पहले तो हमको जो कोर रीज़न है, इस प्रकार से उनको जो मानसिक आघात पहुंच रहा है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग डिग्निटी के साथ में अपनी लाइफ जी सकें। सेकेंड नंबर की बात यह है, जो प्राइमरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो इन लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा जिनके पास में UNHCR का कार्ड है। तीसरे नंबर की बात यह है, हमको सपोर्ट करना पड़ेगा जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है, टू बिल्ड सेफ स्पेसेस वेयर देयर रोहिंग्या रिफ्यूजी कैन एक्सेस सपोर्ट विथआउट फियर एंड स्टार्ट देयर हीलिंग जर्नीज।